भुलक्कड़ हो गई, क्रोध बहुत है, सुन्न हो जाती हो, दिमाग सुन्न हो जाता है, वो इसको दौरा पड़ता बेटा उस समय, एक दौरा पड़ता है, हल्का सा मुँह से झाग भी आता है इसको, वो आपके अंदर जो गंदगी आपको भटकाती रहती है, सही जगह नहीं पहुंचने देगी, फिट्स आते हैं बेटा, वो फिट्स हैं और उसका वोकल कॉर्ड श्रिंक हो रहा है। ये देखिए आपका चित्र है, देख लीजिए ठीक से, पढ़ पा रही? हाँ गुरुजी पढ़ रही हूँ। देख पा रही हूँ? हाँ देख पा रही हूँ। तो ये कष्ट आपको है कि नहीं? हाँ गुरुजी है। ऐसे ही है? हाँ गुरुजी। हाँ, आपको केवल एक ही समस्या लग रही थी, ये सब चीजें कैंसर बन रहा है इस अंदर, भुलक्कड़ हो गई, क्रोध बहुत है, सुन्न हो जाती हो, दिमाग सुन्न हो जाता है, ओ सी डी बनी रहती है, सब यूट्रस में गांठे तमाम नीचे, गंदगी बहुत ज़्यादा है ना? आपको एक दिवसीय उसमें जाना चाहिए, असाध्य रोग है बेटा, ठीक है? तो क्या बता रहे हो, तो सात महीने का था तो अच्छा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, जब आठवां महीना चलने लगा ना तो ये लकड़ी आने लगा, लकड़ी आना स्टार्ट हो गया, लकड़ी आने लगा, हाँ जैसे दांत कट लग जाता है, लकड़ी, अरे यार का क्या भाषा यूज कर रहे, जैसे आंख उकटोनेर देता है ना, अकड़ जाता है, हाँ ऐसे बोलो लकड़ी आने लगा हमका यार का, इसको जब तुम लकड़ी आना कह रही हो इसको, वो इसको दौरा पड़ता बेटा उस समय, एक दौरा पड़ता है, हल्का सा मुँह से झाग भी आता है इसको, आता है, तो ये इसको दौरा पड़ता है बेटा उस समय, इसलिए ऐसा होता है, दौरे की इसमें वह है स्मृति, कोई बात नहीं, अच्छा हो जाएगा, इसको हृदय में भी समस्या बच्चे के, कोई बात नहीं, वह हीरो हीरो देखो बाबा से मिलो ठीक है ठीक है, आराम मिलेगा इसको, अच्छा होगा, चलो ठीक है, खुश हो, दरबार से जुड़ो, उसको आराम मिलेगा। और हमारी पत्नी का घुटना में इतना पैरालिसिस है, घुटना में खाली है, घुटना में इतना दर्द है पत्नी का, पैरालिसिस है, वहाँ नहीं चल पाती है, जैसा उसको देख लीजिए, अब मेरा देख रहे हैं आँख में मेरा प्रॉब्लम, देखिए रहे हैं सब कुछ देख रहे हैं, तमाम असाध्य रोग हैं, तमाम असाध्य रोग बन गए। आपसे मार्गदर्शन लेने आए हैं, क्या करें, जो कहिएगा वो करेंगे। नहीं नहीं, मार्गदर्शन क्या है अपना, ये तो ईश्वरी व्यवस्था है, ईश्वर की। 16 तारीख से आए हुए हैं गुरु जी। अच्छा ठीक, लेकिन कोई हमको पता नहीं चल रहा है, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, इसी कर रहे हैं। वो आपके अंदर जो गंदगी आपको भटकाती रहती है, सही जगह नहीं पहुँचने देगी जी, अभी आपको बहुत भटका सकती है, एक दिवसीय प्रोसेस में जाइए, ठीक है? ठीक, हाँ तो आराम मिले। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मेरा नाम राजन जायसवाल है, आजमगढ़ से आए हैं गुरु जी। मेरा बच्चा है, अभी वो 3.5 साल का है, बोल नहीं पा रहा है। फिट्स आते हैं बेटा, वो फिट्स हैं बेटा, और उसका वोकल कॉर्ड श्रिंक हो रहा है, समझ रहे हैं? आया हुआ है गुरु जी। हाँ, हम तुम्हें देख रहे हैं, ना भी आए, अमेरिका में रहे तब भी दिखेंगे, वो हाइपर हो रहा है बच्चा थोड़ा सा जी, एकदम से एग्रेसिव जी, क्योंकि ऑटिज्म की वो है जी, इस कारण से है, और श्वास लेने में भी उसको प्रॉब्लम होती है, श्वास लेने में खींच के श्वास लेता है वो जी, प्रॉपर श्वास नहीं ले पाता है, और बहुत ज़्यादा स्मृतियाँ उसमें नहीं है उसके पास, तो यूरिन पास करता है ना जब वो जी, ताकत लगाता है किसके जी जी जी, है ना जी, हाँ तो इस कारण से है, तो जी गुरु जी, और कोई असाध्य रोग है बेटा, याद जैसे कोई चीज़ का मेमोरी नहीं ना बेटा, बोला ना जी कि उसकी मेमोरी नहीं है जी, वो उस और इसकी मेमोरी सब बाहर है जी गुरु जी, हाँ अंदर नहीं रहती, बोला ना जैसे, क्योंकि इसका मस्तिष्क पितर आपके जी, इसका मस्तिष्क खा रहे हैं बच्चे का, सूक्ष्म में खाते जा रहे हैं, जैसे अभी आए तो किडनी खा के ख़त्म कर दी, इधर मस्तिष्क खा रहे हैं
जी गुरुजी। तो एक दिवसीय प्रोसेस जाओ बेटा, असाध्य रोग है, ठीक है ना जी गुरुजी। तो हम चाह रहे हो थोड़ा सा कुछ अगर तत्काल में जो हाइपरपन वो थोड़ा सा कुछ नहीं, इतना जल्दी नहीं जाएगा बेटा, असाध्य रोग, संसार में इसका इलाज नहीं कोई। अच्छा गुरुजी, इस पूरी धरती में इस रोग के कोई इलाज नहीं है जो आपके बच्चे को है जी। ये केवल ईश्वर कृपा से ही धीरे धीरे अपने आप ठीक होगा, समय लगेगा उसमें, एक दूसरी प्रोसेस करेंगे, समय लगेगा, दो तीन साल भी लग सकता है पूरा स्वस्थ होने उसको। बहुत असाध्य रोग है बेटा ये, ठीक है, कुछ और कोई रास्ता नहीं, कुछ